सब पाकर तुम्हें हर खुशी पाई। तुम ही तो हो मात पिता मेरे, तुम ही तो हो मात पिता मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदिया, जैसे सागर ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे। ओम शांति। टीचर्स डे की सभी को शुभकामनाएं और सभी उस सुप्रीम टीचर की आश को अब जल्द से जल्द पूरा करें ना, ये आज सभी संकल्प करेंगे। आज सुप्रीम टीचर की बहुत शिक्षाएं मिल रही हैं। बाबा ने परिवर्तन के लिए एक ही बात बताई है कि यदि ये बात समझ में आ जाए और निश्चय हो जाए कि कौन हमें पढ़ा रहा है और कौन हमें मिला है, कौन मिला है ये भी समझ में आ जाए ना, तो जीवन में परिवर्तन सहज होगा। जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है उसको दूर करना फिर मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस भगवान के लिए हम दर दर भटकते थे, उनके जड़ मूर्तियों के आगे जाकर हम बहुत कुछ बातें बोलते थे, और अभी वो जब सम्मुख हैं और ये हमें निश्चय हुआ तो फिर अपने आप के जीवन का परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। तो आज मुख्य तो बाबा ने ये भी बताया है, बाकी और भी आज की शिक्षाएं हैं सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना, दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रश्न है कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। हम ही देवता थे और फिर हमें देवता बनना है, ये बात। और उत्तर है हम बेहद बाप की संतान हैं, तो विश्व के मालिक ठहरे,
हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई, तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इक्कीस जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो, बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। सभी बैठे हैं, अभी आ गए सब अटेंशन में। बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसी को भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। चित्र है ना, चित्र भी समझाएं तो नॉलेज तो झट समझ जाएंगे। भले पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हरेक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, है कितना सहज नॉलेज को जानना। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई, नॉलेज पढ़ाई है, योग सब्जेक्ट अलग है। योग है बाबा से कनेक्शन जोड़ना। बाबा तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वे होंगे याद से, अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत छोटा पद पाएंगे, क्योंकि सजा भी खाएंगे और फिर छोटा सा पद मिलेगा। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसलिए कहा जाता है बाबा क्या कहते, इसलिए घड़ी घड़ी अटेंशन दिलाते हैं। किस पर अटेंशन? याद पर अटेंशन, बुद्धि पर अटेंशन दो। बाबा कहते हैं कि बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हरेक का होगा ही, मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बनकर वापस
घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, मेहनत है याद में। कोई बच्चा भी इस पढ़ाई को समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। किधर किधर बुद्धि का योग ले जाती है। ऐसे भी नहीं कहोगे फिर कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, वाह मैं ही शिव हूँ। नहीं, मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। हम ऐसे नहीं कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। कई लोग ऐसा ही सोचते हैं ना, कई तो बाबा के बनने के बाद भी थोड़े समय बाद कुछ कुछ और दूसरे भी कहेंगे इनके अंदर बाबा आ गए, ये ऐसा बोल रहे हैं, बहुत निकल गया ना इस। तो बाबा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाप कहते हैं मैं कोई और में जाता ही नहीं हूँ, मेरा एक ही रथ है। साकार में था ब्रह्मा बाप और अव्यक्त हुआ तो गुलजार दादी का रथ। अब गुलजार दादी का रथ में आना बंद हुआ तो किसी और के रथ में थोड़ी आ रहे हैं। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। इसी पे लोग फिर सोचते हैं कि मेरे में ही बाबा आ जाते हैं। दूसरे कहेंगे इसमें तो बाबा आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ना मैं सदैव नहीं बैठ सकता हूँ और ज्ञान नहीं सुना सकते हैं उसके मुख से। बहुरूप धारण कर किसी का भी कल्याण कर सकते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है व मुझे शिव बाबा ये कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सकें। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं, बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। किसको? बुद्धि को, आत्मा को जब नॉलेज मिली। और नॉलेज कौन ग्रहण कर रहा है? बुद्धि। इसलिए बुद्धि के लिए कहेंगे तीसरा नेत्र खुला। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको ये शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। ये आत्मा ही पार्ट प्ले कर रही है। तो अभी आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो तुम मनुष्य ही थे। कल भी बताया था ना, शूद्र भी मनुष्य और ब्राह्मण भी मनुष्य और देवता भी मनुष्य हैं। गुणों के कारण से ये नाम रख दिए अलग अलग, संबोधन अलग करेंगे। तो ऐसे बाबा कहते तुम भी जब देवता थे तो मनुष्य ही, परंतु पवित्र आत्मा ही थी, दैवी गुण थे, इसलिए देवता कहलाते थे। और अभी तुम पवित्र नहीं हो इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं ना कि बाबा मेरे से यह भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। अभी बाप बेट बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे पावन जरूर बनना है,
कोई विकर्म नहीं करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। विकर्म भी यहाँ ही समाप्त करने हैं, वहाँ जाकर करेंगे ऐसा नहीं है। पावन बनने से ही तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे, और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ तो बाबा ने क्लियर बताया हुआ है ना। बाबा कहते अभी तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो, है ना, वो ऐसा है वो ऐसा करता है। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, क्या क्या चिंतन होता है ना, देखो ऐसे ऐसे भी चिंतन, तो इतनी आत्माएं कहाँ गई, अरे वह कहाँ भी गई, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो, और कोई भी बात पूछने की दरकार ही नहीं है ना। कोई कहता है मच्छर मरा तो कहाँ जाएगा, मच्छरों की आत्माएं मक्खी कीड़े मकोड़े की वो कहाँ रहते हैं, तो और ये सब है टाइम वेस्ट करने का बात है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारा काम तो है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, और बातों में जाने से तो मूंझ पड़ेंगे, कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं ना, फालतू प्रश्नों का जवाब नहीं मिला उसमें मूंझ जाएंगे और पढ़ाई भी छोड़ देंगे, जिससे कि रियल कमाई होनी चाहिए वो छोड़ देंगे। इसलिए बाबा कहते बुद्धि ज़्यादा नहीं चलाओ, अभी बुद्धि को भी कंट्रोल रखो। बाप कहते हैं मन मना भव, बस अपना काम तो ये है कि मन को बाबा में लगाओ, स्वचिंतन में, परमात्म चिंतन में, और अपने घर में लगाओ। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं उस समय मुख इस तरफ और पांव शमशान की तरफ रखते हैं, और फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ है दुनिया की तरफ और मुख को शमशान की तरफ कर देते हैं। तो ये तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, तो अभी कहाँ मुख होना चाहिए हमारा, ऊपर जहाँ जाना है। ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते, तो पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं इसीलिए बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिब्रेट करो। तो बाप कहते हैं कि अब पवित्र बनो, बुलाया ना जिसके लिए कि पतित पावन बाप आओ, विषय विकार मिटाओ, तो बाबा आके अभी क्या कहते कि बच्चे अभी पावन बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे, जो भाषा इनकी होगी उसमें ही तो समझाएंगे ना, है ना। जैसा रथ का साउंड होगा उस वैसा ही तो आवाज निकलेगी ना। कोई कहेगा इसमें हिंदी में क्यों बोलते हैं बाबा, दूसरी भाषा में क्यों नहीं बोलते हैं, तो बाबा ने तो रथ लिया हुआ है, उस रथ की जो आवाज़ है वही आवाज़ से काम लेना पड़ेगा। हाँ, सिंधी हिंदी तो मिलता जुलता ही होता है। बाबा ने कहा आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है ना, बाबा की भाषा बदल जाएगी नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, वो बोल देते हैं ना संस्कृत भाषा थी देवताओं की, हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं, और संस्कृत तो बहुत ही टफ भाषा है, क्लिष्ट, समझ में भी नहीं आता है ना संस्कृत के श्लोक, एक एक शब्द में कितना गहराई है, तो जल्दी समझ में भी नहीं आता है वो। तो बाबा तो ऐसी सरल भाषा में समझाएंगे जिसको हर कोई समझ सके,
और हिंदी भाषा ऐसी है ना जिसको समझना बहुत सहज भी है, सुनते सुनते बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं, ये सब आत्माएं कहाँ जाती हैं? कोई प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, क्या तुरंत जन्म लेते हैं या कुछ महीने बाद लेते हैं या ऐसा लेते हैं, ये सब में क्या मतलब है? बाबा कहते ये सब बातों में क्या प्रश्नों का जवाब एक्यूरेट कोई दे ही नहीं सकता है। बाबा कभी ये सब के लिए थोड़ी बताने आया है। तो बाबा ने कहा मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो कार्य अभी करो जो मैं बता रहा हूँ, उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा, बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है, इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन, अटेंशन दो अपने ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। देखो कहाँ भी बुद्धि तो भागती नहीं है, भगवान की श्री मत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं है। श्रीमत के अलग जो बातें हैं उसमें कुछ फायदा की बात नहीं है, मुख्य बात है पावन बनने की। तो ये पक्का याद रखो कि हमारा बाबा बाबा भी है और टीचर भी है और प्रीसेप्टर भी है, गुरु है, ले साथ ले जाने वाला भी है। ये ज़रूर दिल में याद रखना चाहिए कि बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं और योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं ना, तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। तो टीचर के रूप में याद करो बाबा को, तो भी बाबा याद आए और पढ़ाई भी याद आएगी। यही बाप भी कहते हैं ना कि तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो ना और उस टीचर से पढ़ रहे हो। जिसके बच्चे हो उसी बाप के तुम अब स्टूडेंट भी हो, क्योंकि वो टीचर के रूप से पढ़ा भी रहे हैं। इसलिए कहाँ भी रहते हो बाप के तो हो ही ना, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई तो दे ना सके, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है, ताकत कहाँ से मिलती है? बाबा से मिलती है ना, तो बाप से ताकत मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो। इसलिए भक्ति में भी गाते थे ना, हे भगवान सर्वशक्तिमान, बोलते तो थे कि सर्वशक्तिमान है वो। तो उनसे बाबा ने कहा पावन बन रहे हो, पावन बनने की भी ताकत मिलती है। फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लग जाते हैं, बहुत मास बहुत साल ही लग जाते हैं। पूरा डिग्री कंप्लीट लेने में तो कितने साल लगते हैं, और यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है। उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार, कौन कितना जल्दी उस पढ़ाई को समझ पाते हैं। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम टाइम, कोई कम टाइम में ही समझ जाते, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, और किसी को निश्चय बुद्धि बनने में टाइम लगता है। कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं।
मूल बात है बाप को याद करना और पवित्र बनना। वही मुश्किलात होती है फिर। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है, पढ़ाई भी लोगों को अच्छी लगती है ना, ज्ञान समझ में आएगा अच्छा लगेगा, लेकिन बस मेहनत लगती है, पवित्र बनने में भी मेहनत लगती है और योग में भी मेहनत लगती है। यही बाबा कहते हैं। बाकी पढ़ाई में तो क्या है, कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है समझ गए, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, एक रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। चलो याद करते हैं बाबा को भी। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये बुद्धि में आता है ना कि हम बेहद बाप के संतान हैं और हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वे फट से सभी आदतें छोड़ देंगे, खराब आदतें जो भी तुरंत छोड़ देंगे। कहते हैं कि वाह हमको तो यह बनना है, हमको तो देवता बनना है। 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। चटक जाना चाहिए ऐसे बाप से और इस पढ़ाई से। मुख्य बात है याद की यात्रा, बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो एक सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ तो जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है। छोटा झाड़ तो सतो प्रधान था और बड़ा जैसे विस्तार होता गया ऐसे ये सृष्टि रूपी झाड़ मनुष्य सृष्टि का क्या हो गया है, तमो प्रधान बन गया। तो कल फिर नया छोटा बन जाएगा, फिर सत्युग आ जाएगा, नई दुनिया आएगी और फिर ये सृष्टि फिर छोटी होगी। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता, ये पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो, बाप पढ़ाते हैं यह निश्चय करो। भगवान वाच मैं तुमको राज योग सिखलाता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। भले अपने को भगवान कहें या कुछ भी कहें, परंतु क्या नहीं कर सकते, पावन नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए ताकत चाहिए। कोई भी बोलते हैं आजकल जितने धर्म हैं इतने गुरु, कोई नहीं बोला पवित्र बनो, घर गृहस्थ में रह के है कोई नहीं बोल सकता ऐसा। और यहाँ तो बाबा कहते हैं कि कोई शादी करके नया नया भी ज्ञान में आते हैं ना युगल, तो उनको ही बाबा पवित्रता का हथियाला बंधवा देते हैं। तो ऐसी ये ताकत वाली बात है, तो कोई और तो बोल ही नहीं सकते हैं।
भले अपने को भगवान कहें या कुछ भी कहें, लेकिन पावन नहीं बना सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं ना, हर गुरु ही भगवान हो गया आजकल तो। मनुष्य भी मूंज पड़े हैं किसको भगवान माने। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भले तुम्हारी प्रदर्शनी या म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है, पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है ना, तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है, फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। नई दुनिया तो बननी ही है, बन जाएगी, उसमें किसके उद्घाटन की दरकार नहीं रहती है। वो तो सब जाएंगे जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ जाके खुद ही उद्घाटन कर लेंगे, वहाँ उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो कि अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सत्यों की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, बाप तो स्वर्ग में आते ही नहीं है। आगे चल देखना है कि स्वर्ग में क्या होता है, दिखाई देगा, साक्षात्कार कराएंगे बाबा। पिछाड़ी में क्या होता है आगे चलकर समझ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, समझा ना। पवित्रता से विद ऑनर बनेंगे, सम्मान सही जाओगे ना बाप के साथ साथ, इतना पद भी नहीं पा सकते हो। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भले करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खा पाएंगे, विनाश हो जाएगा तो कौन खाएगा, फिर सब मिट्टी में मिलेगा ना, सभी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, है ना, वो भी बता दिया, एकदम समझ दे दिया ना हर बात की, थोड़ा सा रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर दो, अपने लिए थोड़ा सा रख लो जो भविष्य में कुछ आई बेल में काम आ जाए, बाकी तो सब ट्रांसफ़र करो, सेवा में लगाओ। आप सभी तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये भी बाबा को मालूम है, सभी तो नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है, यहाँ इनडायरेक्ट जो कर रहे हैं वो तो पतित का पतित से लेन देन चल रहे हैं। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं, तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं है ना। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, कई बोलते ना, यहाँ तो ऐसे ऐसे भी नहीं आते, दूसरे का उदाहरण देते, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग भी पहुँचते हैं, तो यहाँ तो क्या है बाप, क्योंकि ये तो खुद बाप का ही सारा कार्य चल रहा है और वो डायरेक्ट, और बाप तो है गरीब निवास। भक्ति में भी सुना है ना, गरीब ही बाप भगवान को जल्दी पहचानते थे। भारत बहुत गरीब खंड है, बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है,
जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। ये है नरक। तुम जानते हो नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सत्युग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा तो कर रहे हैं ना, तो ये बाबा कहते हैं अभी, क्योंकि प्रैक्टिकल में वो बाप का पार्ट चल रहा है, ज्ञान दे रहे हैं, अथाह ज्ञान, इसलिए ज्ञान का सागर फिर महिमा की। इस ज्ञान से सुख मिल रहे तो महिमा हो गई, सुख का सागर है, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर है। अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की है। बाप समान बनने वाले की महिमा भी ऐसी हो गई। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार लेकर नई दुनिया में जाएगी, तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। वहाँ फिर क्या कहेंगे, तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। अभी तुम तो हेल में बैठे हो। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान और खिवैया भी कहा जाता है। गाती भी है ना कि हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है ना तो आत्मा पुकारती है। महिमा भले गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कौन सी नैया, कहाँ ले जाना है, जानते नहीं है। जो आया सो कह देते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान की भी निंदा करते रहते हैं। एक तरफ महिमा भी करते हैं और एक तरफ निंदा भी करते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सदगति दाता जो बाप हैं उनको हम जान गए हैं, इसलिए हम हैं आस्तिक। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो भी कितना तंग करते हैं। वे हैं मेजॉरिटी, तुम हो माइनॉरिटी हो। तुम भी जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उनों को भी कशिश होगी। बुद्धि का ताला खुलता जाएगा सबका। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है। दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है। बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा नंबर है, अब बाप डायरेक्ट आए हैं,
इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। इसका विस्तार है, आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो तो हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। हठ से शरीर को, उनकी सिद्धियाँ होती हैं, वो सिद्धि से शरीर ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं कि योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गई। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, है ना, फरिश्ता फर्श से परे रहने वाला, जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो। इसलिए हमेशा फरिश्ते को ऊपर उड़ता दिखाते हैं, एंजल जिसको कहते हैं। देह भान में ना हो, धरती पर ना हो मतलब देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो, उसको कहेंगे फरिश्ता। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो। तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति।